सिद्धू ने कहा कि भाजपा का कोई बड़ा लीडर 5 साल तक दिखाई नहीं दिया। अब भाजपा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और एजेंसियों का डर दिखा रही है। भाजपा नेता बाजू मरोड़ने वाले हाथों की ताकत अपने साथ लेकर आए हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। सिद्धू ने कहा कि अब तक प्रदेश में जो सरकार चल रही थी वह माफियाओं की ही थी। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों व विधायकों ने 1 से 2 हजार करोड़ रुपए की हेराफेरी की। सिद्धू ने दावा किया कि अब भाजपा इन नेताओं पर दबाव बना रही है। भाजपा इन नेताओं से एक ही बात कह रही है कि जिस किसी विधायक या मंत्री ने चोरी की है वह उनके साथ आ जाए। सिद्धू ने कहा कि जालंधर में भाजपा ने कार्यालय खोला है। नेताओं से कहा जा रहा है या तो आ जाओ जालंधर, नहीं तो कर देंगे अंदर। कांग्रेस की टिकट पर पिछले विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पंजाबी गायिका सतविंदर बिट्टी की ओर से साहनेवाल में आयोजित चुनाव रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि भाजपा का कोई बड़ा लीडर 5 साल तक दिखाई नहीं दिया। अब भाजपा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और एजेंसियों का डर दिखा रही है। भाजपा नेता बाजू मरोड़ने वाले हाथों की ताकत अपने साथ लेकर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर प्रहार करते हुए कहा कि वह कांग्रेस नेताओं से बयान दिलवा रहे हैं। पहले भी कांग्रेस के 78 विधायक थे लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का ही था। कैप्टन कांग्रेस नहीं बल्कि ईडी के मुख्यमंत्री थे, वह ईडी के तोते बन गए। अपनी सरकार के मंत्रियों का नाम न लेकर कहा कि उन्हें यह तय करना होगा कि वह पंजाब के साथ हैं या अपने स्वार्थ के लिए बाजू मरोड़ने वालों के साथ हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाबियों को सचेत होने की जरूरत है,